छूट गए सहारा को जिंदगी मौत के दरवाजे पर ले आई है मुझे एक रात के लिए सहारा सिर्फ एक रात के लिए
बाबा 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 ऐसा कौन सा कसूर किया था मैंने? अंधी आंखें लेकर रूह और रोशनी की दुनिया में चलाया है, यहाँ मरने वाले रहते जीने वाले नहीं रह सकते। तो क्या वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो आए थे आप दिल को तसल्ली दे रहे? मैंने तुम्हें सहारा देकर अपना सहारा खो दिया है। आने वाले चले गए, अब वो कभी नहीं आए। बताइए वो कहां से आते हैं, मैं अपनी जान देकर उन्हें वापस ले आऊंगा। उन्हें नहीं जा सकते, उन्हें कोई नहीं जा सकते। चंदा के देश में रहते इंसानी हाथ उनके दामन को नहीं छूते। कहते हैं दिल कांपता है, आज से 40 साल Thank you.
उल्टी चल रही है, मैं दवा लेकर आता हूँ। क्या देखते हो, चलो हवा आने दो, हटो। तमीज है ही तुम लोगों को? कौन हो? मैं मर तो नहीं गया हाँ? ये कौन सी जगह है? मुझे यहां कौन लाया है? अरे प्रभु जी, तुम उठ बैठे। ओह, आप कौन है? मैं तो हूं हीरा, लेकिन लोगों ने मुझे खीरा बना दिया है। वो कौन है? वो तो खंबा है खंबा। मैं तो कुछ और देख रहा था। जान बच गई लेकिन आंखें चले गई। तुम्हारी रोशनी मुझसे भी तेज है। ये है मेरी बहन जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो बोलना नहीं आता क्या? हाँ, बोलना आता है लेकिन तुम इसकी आवाज नहीं सुन सकते। वो क्यों? इस मुल्क का दस्तूर है, यहाँ की लड़कियां गैर मर्दों से बात नहीं करती सिवाय उस आदमी के जिसे वो अपने सौंदर्य के लिए पसंद कर लेती। यांगा परियांगा। जय शांगा। चलो, इस मुल्क के पेशवा ने तुम्हें याद किया है। चलो। कौन? मेरे बाप, जो इस राज की महाशक्ति है, जिसके सामने रानी भी सर झुकाती है और प्रजा भी। चलो। सांगा देव, हमारी धरती पर जब बाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे देवता के मुंह से धुआं निकलने की बजाय आग निकलनी शुरू हो जाती है और फिर तूफान, वो तूफान आता है कि सारा नगर बर्बाद हो जाता है। परदेशी, निकल चलो, इस कमबख्त ने मुझे स्वयंवर के लिए पसंद कर लिया है। क्या औरत है, चलो। भाग गया, अब के स्वयंवर में वरमाला पहना कर ही छोड़ूंगी। इस राज में हर गुनाह के लिए एक संगीन सजा दी जाती है। इन्होंने झूठी कसमें खाई थी। यहाँ जिस औरत के चाल चलन पे शक होता है उसे आग में चलाया जाता है। बच्चे, यहाँ परदेशियों को 8 दिन से ज्यादा ठहरने की इजाजत नहीं, तुम्हें जाना होगा। बाबा, वापसी के तमाम रास्ते बंद हैं। ऐसी हालत में जाने का हुक्म मौत का हुक्म है। बुजुर्ग बाप, मैं मौत से नहीं उस जिंदगी से डरता हूँ जो एहसान का बदला ना उतार सके। इन दोनों ने मेरी जिंदगी बचाई है। बच्चे, मेरे पास दुआ है, कानून तोड़ने का इख्तियार नहीं। तुम्हें रानी के पास जाना होगा। ये यहाँ फिर भी नहीं रह सकता। शांगू, तुम्हें यहाँ कदम रखने से पहले मजहबी सलाम का ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग बाप, ये खोटे परदेसी यहाँ की लड़कियों को ठगने के लिए आते हैं। मैं किसी को मुल्क की इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। इसका इख्तियार सिर्फ राज रानी को है। सोने के लिए। इन्हें राजरानी के पास ले जाओ।
राजरानी, वो परदेशी के रूप में राज की शांति को डसने आया है, उसे राज से निकल जाने का हुक्म दिया जाए। ऐसा ही होगा। अर्ज करो। मैं परदेसी हूँ। आवाज से जाहिर है। यहाँ ठहरने की इजाजत चाहता था। क्यों? मुल्क खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं, और वापस जाने का रास्ता भी बंद है। दिल चाहता है कि दिल जो चाहता है मुश्किल से होता है। ले जाओ। मैं रहम की दरख्वास्त भी नहीं कर सकता? नहीं, तुम खौफ और दहशत की चीज हो, परदेसी फरेबी होते हैं। छोड़ दो। कहां के रहने वाले हो? हिंदुस्तान। वहां की क्या चीज मशहूर है? मोहब्बत और संगीत। सुनाया करोगे? अगर रहने की इजाजत मिली। इजाजत मिल गई, जा सकते हो। यहाँ की लड़कियों से दूर रहना। हमारा कानून परदेसियों के लिए बहुत सख्त है, जा सकते हो। डरो नहीं, तुम्हारे आने से बहुत कुछ आ गया है मेरे जीवन में। तो चांद इस तरह नहीं चमकता था, फूल इस तरह नहीं महकते थे, बाहर लेकर आया हूं, करार लेकर चले तो नहीं जाओगे? ये पर्वत, ये नगरी, ये सब्जों के नाच, ये झरनों के गीत पसंद है तुम्हें? और मैं ये हंसता हुआ चांद गवाह है कि मैं भी पसंद करती हूँ तुम्हें।
अरे हितू, तुमने कहा था ना कि यहाँ की लड़कियों से बात करना महापाप है। हाँ? लेकिन अगर लड़की खुद किसी से बात करे तो क्या? अरे पूछते हो, फट से लड़की का पांव पकड़ लेना चाहिए, माथा घिस लेना चाहिए, उसका प्यार जीतने के लिए खूब रोना चाहिए। लेकिन फिर तुम्हारे मुल्क का जो दस्तूर है इसका क्या होगा? वो तो लड़की के पसंद से खत्म हो जाता है। ठहरने के लिए रानी का फरमान और मुबारकबाद। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ओ, जिस वादे पर ठहरने की इजाजत मिली है वो तो याद होगा। कौन सा वादा? अब छुपाने से क्या फायदा, उठो, महल का शानदार हुस्न सोला सिंगार किए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो। माफ कीजिएगा लेकिन भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपको जाना पड़ेगा, रानी का हुक्म टाला नहीं जाता। वहां नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ है। मैं अपनी जगह पहचानता हूँ। परदेसी, मेरी तारीफ करो। तारीफ की तारीफ मुश्किल है, किस किस चीज की तारीफ करूं? मेरे बाल। परदेसी, तुम मेरे मेहमान हो, दावा क्यों ठुकराते हो? हुक्म दीजिए। कोई ऐसा गीत गाओ कि आग लग जाए। आप जलना चाहती हैं? हाँ परदेसी, गाओ, गीत गाओ, दबे हुए शोले भड़कने की। Yeah.
राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, ओ यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, कदम डगमगाए जरा दूर चल के, ओ कदम डगमगाए जरा दूर चल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, कहाँ आ गए हम चमन से निकल के, ओ कहाँ आ गए हम चमन से निकल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। कहीं टूट जाए ना हसरत भरा दिल, कहीं टूट जाए ना हसरत भरा दिल, न यूं तीर फेंको निशाना बदल के, ओ न यूं तीर फेंको निशाना बदल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में। चलाया था ये तीर? जी, एक जालिम चील मेरे तोते पर झपट गई थी, तोते को बचाने के लिए मैंने तीर से काम लिया। इसके हाथ काट डाले जाएं। ले जाओ। रानी, मैं रहम की दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरा दोस्त है। दोस्त? किस तरह? जब मैं आग और धुएं के अंबार में बेहोश पड़ा था, किसी ने मेरी जान बचाई थी। बहुत प्यार करते हो अपने दोस्त को। कुछ लोग प्यार ही के लिए पैदा होते हैं। छोड़ दो। लड़के, क्या नाम है तेरा? जी, नाम? हाँ, मेरा नाम शिबू। शिबू का मतलब है सच्ची मोहब्बत। जी हाँ, कुछ ऐसे ही। तुम सीखो। शिबू?
अपनी तकदीर कोयले से लिखी हुई है, मछली तो फंसती नहीं, मेंढक गले पड़ते हैं। तुम्हारी मछली यहाँ है। है क्या खतरनाक चेहरा है, ये मासूम को जीने नहीं देगी। ये गुलाब नहीं, मेरा नाजों का पाला कलेजा है, मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। गोभी नहीं, मेरा छोटा मोटा फेफड़ा है, मैं अपना फेफड़ा फेंकती माई, लात रख दूंगा तो जबान निकाल देगी। जले को जलाती है वो भी नदी के किनारे। मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, नाखून भी नहीं कटवाती, बदन छील दिया मनहूस ने। ये औरत है या फकीर की गोदड़ी, जब देखो लिपटी चली आ रही है। हट, देखो जी बहुत मजाक हो गया, नदी के किनारे मजाक नहीं करते, हटिए। क्या झाक आती है, कबक मुंह भी नहीं धोती, गंदी कहीं की। हट, जब मेरी आवाज सुनो तो टीले पे पहुंचा, आज दिल की आवाज होगी और जीवन का सार। बंद कर दे सांस, इसमें दर्द है, दवा नहीं। आज चांद पूरी जवानी पे है, झील की लहरें स्वागत का इंतजार कर रही हैं। चलेंगे, हमें लहर और जवानी दोनों से मोहब्बत है। पहरे का इंतजाम रहने दे, आज जाननी मेरी पहरेदार है। ये मेरे कपड़े हैं। तुम्हारे गले में आवाज नहीं, जादू है।
मैंने बहुत पसंद किया तुम्हारे गीत को। जी मेरा मतलब है कि खूब जानती हूँ, जो कुछ जबान से ना कह सके वो गाकर समझा दिया। देखिए ये गाना मैंने वो जानती हूँ मेरे लिए मोहब्बत के लिए था, मोहब्बत के लिए था। मैं रानी भी हूँ और मोहब्बत भी। मैं तो नहीं जानता था क्या आप यहाँ। मैं हर जगह हूँ, हर रंग में हूँ, खासकर जब चौधरी का चांद अपने शबाब पर आता है जी। मैं मौजों की सलामी लेने आती हूँ। अच्छा। और लहरों में खोकर खुद भी एक लहर बन जाती हूँ। सहारा दो। देखिए आप मुझे गलत ना समझिएगा, मैं वो मैं तुम्हें कभी गलत ना समझूंगी जी। आया था मगर रानी ने खरीद लिया। दिखने वाले पर्दे से तुम्हारा चेहरा ही खूबसूरत है, तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं, तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं, तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं। पागल मत बनो सोनी, मुझे समझने की कोशिश करो। छोड़ दो मुझे, मैंने महल बनाया था, तुमने उसमें आग लगा दी। मुझे बनना था तो मोहब्बत सुनकर क्यों आए थे। बात करने वाला बेकसूर नहीं होता, इसे मरना ही होगा। भैया मेरे परदेसी को पसंद कर कसूर है तो मेरा है। आज क्यों रोक लिया? मेरा जीना सुनी के लिए तो मरना भी उसी के लिए। अब तुम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता परदेसी। आज मेरा गाने को जी चाहता है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं पगली, कहीं तेरा गीत अधूरा ना रह जाए। क्यों? क्योंकि वो परदेसी है, बाबा से स्वयंवर में बैठने की इजाजत मिल जाए तो फिर गीत भी गाना और शगुन के दीप भी जलाना। आज मैं ऐसा सिंगार चाहती हूँ कि देखते ही साजन मेरा हो जाए। आज मैं ऐसा हार चाहती हूँ जो उनके मन में बस जाए। पहना दो, आज मेरी जीत है, आज मेरी जीत है। किसको जीत लिया? नहीं बताती। आखिर कौन था? नहीं बताती। दूर देश का राजा है, राजा देखोगे तो बस चल जाओगे। चल जाऊं? मैं भी अपने ख्वाबों की एक रानी को ढूंढता ढूंढता इधर निकल आया। रानी?
रानी, फूल जैसे गाल, मोती जैसे दांत, देखोगी तो तुम भी खाना पीना छोड़ दोगी। रानी, आवाज दो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैं भी तुम्हारे लिए आई हूं। जानती थी आज भी मेरा इंतजार करते होगे। लेकिन कह डालो, यहाँ मैं हूँ, तुम हो और मोहब्बत है। जी नहीं, एक और भी है। वो कौन? भगवान। भगवान से डरते हो? मोहब्बत से नहीं डरते? आओ मेरे साथ। माफ कीजिएगा, मुझे जरा ये वक्त बर्बाद न करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हमारी खास बुजुर्गा है, यहां दूसरा नहीं आ सकता। इस बुजुर्गा से हवा को भी गुजरने की इजाजत नहीं। इन चिरागों को मैं ही जलाती हूं और मैं ही बुझाती हूं। क्या देख रहे हो? आपकी शान। क्या सोचते हो? अपना अंजाम। सोचो नहीं, लहरों से डरने वाले किनारे रह जाते हैं और सागर में फांदने वाले मोती ले आते हैं। जिंदगी एक खूबसूरत खिलौना है, इससे डरना नहीं, खेलना सीखो। दिल का खेल हर जगह नहीं खेला जाता। जीवन के मेले में जो हाथ पकड़ कर नहीं चलते वो अक्सर खो जाया करते। आओ हम अपने जीवन का सौदा करें। दुनिया में सामान बिका करते हैं, इंसान नहीं बिकते। तुमने दुनिया की ताकत नहीं देखी, ये सब कुछ खरीद सकती है लेकिन इंसान का दिल नहीं। ये चाहता है तो बेदाम बिक जाता है, और अगर नहीं चाहता तो दौलत, जवानी, राज, ताज सब कुछ ठुकरा देता है। तुम्हारी बातों में गुरूर है, और आज पहला मौका है कि गुरूर भी मुझे अच्छा मालूम होता है। Oh!
महल की जासूसी का यही अंजाम होता है। दासी, आज कोई प्यार का तार छेड़। आज साज ही काफी नहीं है दासी, आवाज भी मिला। Oh, yeah.
बस कर दासी, पत्थर पिघला नहीं और सख्त हो गया। आओ परदेसी। जानती हो कितने खतरे में हो? जानती हूँ, और इजाजत देती हूँ कि मुझे मार डालो, मार डालो। मैं बचाने आया हूँ, मारने वाला तो रानी के साथ चला गया। वो गए नहीं, ले जाएंगे। देखते हो इन खामोश तस्वीरों को? मैं तो इनकी आवाज ही सुन रहा हूँ। आवाज? मैंने तो आज तक नहीं। दिल की आवाज दिल से सुनी जाती है, कानों से नहीं। तुम्हारे चेहरे की तरह तुम्हारे ख्याल भी अच्छे हैं। देख लिया? न देख, अच्छा था। मुझे वापस ले चले। राजरानी ये क्या? मोहब्बत का तूफान। मैं इसके लायक नहीं। सोच, ये अंगूठी नहीं मेरी मोहब्बत है। जो इसे कबूल करता है मेरा हो जाता है, और जो ठुकरा देता है उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है। सोनी हंस, जी खोल के हंस, अब परदेसी तेरा हो गया है। हो गया जिसका होना था। कैसे नहीं होता, भाई बहन का सुहाग लेने गया था और बाबा ने इजाजत भी दे दी है। गा, खुशी के गीत गा। देख, मैं तेरे लिए सुहाग का जोड़ा भी लाया हूँ और शगुन की चिराग भी जला दी है। बुझा दो इन चराहों को। हाँ? बुझा दो इन चराहों को। सोनी, मैं खुशी के गीत नहीं गाऊंगा। सोनी, अरे खुशी के दिन आंसू बहाती है पगली। वही शिकारी जवान आया है और कोई जरूरी पैगाम लाया है। पेश करो। शिकारी आ गए आप? बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा था कि मुझसे मिलकर चले जाओ। नहीं, रानी से मिलूंगा। बड़ी मुश्किलों से इजाजत मिली है। बड़ी मेहरबानी की दासी। ए, दासी होगी कोई और, प्यारी नहीं कहा जाता। लाओ लाओ मेरा इनाम। जान हाजिर है जालिम, और क्या चाहिए। जान देने वाले जान देना क्या जाने। मैंने कहा वो शादी हो गई है तुम्हारी। दिल लिए फिरते हैं, कोई खरीदार ही नहीं मिलता। कैसा खरीदार चाहिए? जैसे तुम हो। अरे ऊपर से सीधे, अंदर से बड़े घुन्ने मालूम होते हो। रेडियो रानी से कुछ ना कहना, मेरी तुम्हारी बातें बाद में होंगी। ए, आगे कहाँ जाते हो? यहाँ औरतों का राज है। पीछे पीछे आओ। ए, उधर नहीं इधर देखो, निगाहें ना मिलाना, आंखें नीचे रखना। और हाँ देखो, झुक के सलाम करना। ए, चलो। शिबू, तुम परदेसी का पैगाम लाए होगे। मेरे दोस्त ने आपका ये तोहफा वापस कर दिया है,
और कहा है कि मैं आपकी फरमाइश पूरी न कर सकूंगा। तुम जा सकते हो। वक्त बर्बाद न करो, वो जिसकी चीज थी उसके पास पहुंच गई। लेकिन उसे यहां से ले कौन गया? मैं। एक अंगूठी पे अपने आप को ना बेचो, तुम्हारी कीमत इससे बहुत ज्यादा है। कल सूरज निकलने से पहले इस नगर को खाली कर दो, राज रानी का ये आखिरी हुक्म है। रानी का हुक्म कैसे पूरा हो सकता है, रास्ते बंद है। जिंदगी के रास्ते बंद हो गए होंगे, मौत के रास्ते तो बंद नहीं हुए। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, इस देश से बाहर निकल जाओ। मेरी बात सुनिए, आज ये सुनने का वक्त नहीं है। कल के बाद यहाँ देखे गए तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये लो रानी का फरमान। औरत होकर जो काम न कर सकी उसे मर्द बनकर अंजाम दे रहा है। परदेसी खतरे में है। परदेसी खतरे में है? हाँ, मैं अपने सुख की पूंजी लेकर आज खुद ही डाकू के पास जा रही हूँ कि वो उसे लूट ले और मुझे हमेशा के लिए कंगाल कर दे। कौन है वो डाकू? रानी। रानी? रानी जनता के सर से खेल सकती है, दिल से नहीं। सुन जा, तू परदेसी के साथ रहना, मैं बाबा के पास जाता हूँ। दो फरियादी हम आज किसी से नहीं मिलेंगे। वो शिकारी नौजवान कह दो के वापस जाए। परदेसी भी साथ है। आने दो। अब किस लिए आए हो परदेसी? रानी का फर्ज पूछने। मेरे राज में हुक्म सुनने की इजाजत है, फर्ज पूछने की नहीं। तो राज का कानून जानना चाहता हूँ। जब तक दूसरा जहाज ना आ जाए मुझे ठहरने का हक दिया गया था, अब वो हक मुझसे छीना जा रहा है। क्या ये राज के कानून का अपमान नहीं है? नहीं, नगर वासियों को तुम्हारी आजादी पर एतराज है। वो कहते हैं परदेसी झूठे और दगाबाज होते हैं। यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरी हिफाजत में रहना होगा। मैं ये शर्त मंजूर नहीं कर सकता। मैं करता हूँ। गरीब दोस्त के पास मोहब्बत से भरा दिल, दौलत से भरा महल नहीं। राजरानी, मैं अपने दोस्त को आपके हवाले करता हूँ। ठहरो, इधर आओ। ये है तुम्हारा इनाम, इसे अपने ही पास रहने दीजिए। दोस्त की कीमत दौलत नहीं होती राजन। और क्या हो सकती है? दोस्त को महल में जगह दी है तो मुझे कदमों में रखी। तुम क्या काम जानते हो? मैं हंसना जानता हूँ और मैं रोना भी जानता हूँ। अरे सुनिए तो, मैं कैसे कहानियां भी सुनाना जानता हूँ और टूटे हुए दिल जोड़ा करता हूँ। दिल और क्या जानता है? और मैं गाना भी जानता हूँ। Oh
साथ जाने, दोस्त का दिल बहलाने के लिए, दोस्त को भी साथ रख लीजिए, नग है नग। रास्ते में मंजिल तक नहीं पहुंची, जब तक मैं कामयाब होकर वापस न लौटूं, तुम सब कुछ संभाले रखना। ये अपना काम है। मरता है? क्या भक्ति है? अरे भक्ति नहीं, भक्ता हूँ। ये अबू, ये पेशानी, अरे जालिम का नाम है शामिया। शामिया ना तुम, वो क्या भक्ति है? पगली? अरे पगली नहीं, पगला मेरा भाई, पगला। मैं यहाँ आकर शामिया पर मरने लगा हूँ। आँख खोल भाई, आँख खोलिए। क्या बीमारी है? बीमारी नहीं, चलती फिरती मोहब्बत का नाम है। बर्फी कहो, पेड़ा कहो, जलेबी कहो, चलती है तो कयामत चलती है। सोनी हकलाने लगे। ओ शिवु, ये कौन है? ये है मेरे भाई, और भैया ये है वो चांद जिसका नाम है शमिया। मगर ये चांद कैसा, ये तभी चांद का बच्चा है। तुम्हारा भाई तो अभी से ठंडी सांस लेने लगा। ये दिल का कसूर है, जहाँ अच्छी सूरत देखी तो बस दिल कुछ यूं होने लगता है। यूं शिबू, भैया मैं जान मालूम होती हूँ। भैया न कहो, भैया न कहो, डंडा मारो, पत्थर मारो, मगर भैया न कहो। काका कहो। नहीं नहीं, ये बुड्ढा लग जाए। दादा कहो। जुमले फिर सोचेंगे, आओ गले लग जाओ। ये हमारी खानदानी रस्म है। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, अभी तो हाथ ही मिला लो, शादी के बाद गले भी मिल लेना। ओहो, देखा कैसा लड़का है, भाई पे भी भरोसा नहीं रखता है। कोई बात नहीं बहू जी, आओ हाथ ही मिला लो। हाय कितनी मुलायम हाथ है। हाथ आपका भी मजेदार है, मगर अब खिसक जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो हाथ ही पड़ने लगेंगे। वाह शिवू, शिवू आज मेरे अरमानों का जश्न है। कुछ ऐसा जादू कर दे कि तेरा दोस्त सब कुछ भूल कर सिर्फ मेरा हो जाए। क्या हुआ? ये हाथ लग गया, शीशा टूट गया। देख, दिल न टूटने पाए। टूटे हुए दिल ज्यादा कीमती होते हैं राजरानी। ले अपने दोस्त को, आज मैंने जीतने की ठानी है और जीत कर ही रहूंगी। तखलिया। दिन घबरा रहा था बहलाने के लिए। दुनिया भर का सुख पाकर दिल घबराता है, ये राज मेरी समझ में नहीं आया। देखो मेरी आंखों की तरफ, ये सब कुछ समझा देंगी। सफेद पर्दा और स्याह पुतली, मुझे तो इसके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर्दे और पुतली को न देखो, मोहब्बत को देखो। मैं वही दिखाना चाहती हूँ। जो दिखाई जाती है वो कुछ और होती है, मोहब्बत नहीं होती। शिबू, शिबू तूने मोहब्बत की है कभी? जी, सपना देखा था, पूरा नहीं। तेरा सपना अधूरा रह गया, मेरा सपना पूरा कर दे। तूने कहा था टूटे हुए दिल जोड़ा करता हूँ, आज पूरा कर अपना वादा। इस तरह राजरानी, तेरे सांस में मोहब्बत की आवाज है,
गा और उड़ने वाले पंछी के पर बांध दी। मैं अरमानों की नई बस्ती बसाना चाहती हूँ। ऐसी बस्ती बस जाती है राजा, बसाई नहीं जाती। सिद्धि में कोशिश करता हूँ। कोशिश कर, आज ढाल दे अपने सुरों में मेरे दिल का हाल। रुक जाए तूफान, रुक जाए तूफान, रुक जाए तूफान, रुक जाए तूफान। रोक दो ये सांस, बंद करो ये गाना। शिबू तू चला जा। क्या हुआ परदेसी? गाने में मोहब्बत का तूफान था। नहीं, इसके साथ में मेरे दिल की आवाज थी। वो
पांव पीछे पुकार मेरी थी। ऐसा किस लिए था? दिल के दर्द को दवा की जरूरत पड़ गई है। दिल का दर्द अच्छा नहीं होता, इसके लिए राजवैद्य को बुलाइए। पत्थर मर आओ मेरे साथ। देख मेरी आंखों की तरफ, तू भी तो मर्द है ना? मेरी आंखें मर्दों को पहचानना जानती हैं, फिर इन आंखों ने धोखा कैसे खाया? जी धोखा? हाँ सच बता, क्या औरतें आंखों की अंधी होती हैं? फिर आज सारे बांध बेकार क्यों जा रहे हैं? क्या मैं खूबसूरत और जवान नहीं हूँ? बहुत ज्यादा। तो परदेसी को मेरी आंखों में मोहब्बत का सुरमा क्यों नहीं नजर आया? सुरमा जब तक पीछा नहीं जाता आंखों में जगह नहीं पाता। मोहब्बत की हार ही में जीत होती है आजरा, जीतना है तो हार। इतने दिनों के बाद मिला है, अब तुझे गधा बनाकर ही छोड़ूंगी। अरे क्या? अरे अरे पर बात तो सुन। अरे 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 गर्दन अरे टूट जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अरे क्या करें? अरे अरे गर्दन टूट। अरे दुलारे गधे, अरे तुझे किसकी अदा भा गई? बाबा तू क्यों बीच में भीन बजाता है? ये तो मेरा प्यारा हितू है। ये माई तू क्यों अपना छोल पीटती है? अरे ये तो मेरा गधा जीतू है। जीतू खबरदार जो इसे गधा कहा कि मेरा हितू है। खबरदार जो इसे हितू कहा। अरे ये तो मेरा गधा जीतू है। जीतू अरे तेरा हितू तो वो भागा जा रहा है। देख वो भागा जा रहा है। अरे इसने मुझे फिर धोखा दिया। धोखेबाज नहीं नहीं। दरवाजा खोल, नहीं तो दिमाग तोड़ दूंगी। अबे निकल बाहर। कहाँ है? कहाँ छुप गया है? मैदान में आ। बैठ, बात बाहर ना जाए। वो तुम्हारे लिए दरिया में डूबने गया है। दरिया में डूबने गया है? बुजदिल कहीं का। चुल्लू भर पानी में डूब मरता है? दरिया में डूबने गया है। सीतू 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 कुछ सामान लाया हूँ। आज सीतू भैया दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ गए हैं? जी वो सुबह से तलवार मांज रहे थे, अभी अभी बाहर गए गुस्से में। तलवार? है कोई बात नहीं, मैं ये कहने के लिए आया था कि फिक्र न करो, तुम्हारा परदेसी बहुत मजे में है, ऐश कर रहा है। जब से महल गया है भाई सबको भूल गया है। वाह हटाइए भी, मुझे क्या लेना है परदेसी? मैं तो हाँ कहो। आप बम्बती फिर कहिए। वो स्वयंवर में मालूम हो जाएगा। मैं आपकी क्या खिदमत कर? भाई साहब घर में नहीं है, आइए हम दोनों कबड्डी खेलें। मेरा बाप इसी में मरा था। कुछ और खेल खेलें। घोड़ा बन जाइए। घोड़ा? ये क्या मजाक है? मेरी नानी को बड़ा शौक था, बन जाइए ना मेरी खातिर। नहीं 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 तुम्हें मेरी पसंद।
प्रसंग उससे मत दीजिए। लो भाई, आप कहती हैं तो बन जाते हैं, लो बन गए। देखिए देखिए देखिए, हड्डी टूटी जा रही है। मोहब्बत का इम्तिहान है। अब हटाओ ये खेल और आओ जरा प्यार की बातें करें। हाय हाय, स्वयंवर से पहले? हाँ हाँ, अपना तो आज ही स्वयंवर है। रोनी, क्या हुआ? हाय हाय, भैया आ गए। भैया बात फैले ना पाए, इज्जत का मामला है, मुझे कहीं छुपाओ छुपाओ। अच्छा तो चले चलिए, जल्दी आइए जल्दी आइए, अंदर जाइए अंदर जाइए अंदर जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जाइए, सांस ना निकालिएगा। हाँ थोड़ी तलवारें निकाल, मुझे दुश्मनों से बदला लेना है। बैठ जाइए, इम्तिहान की घड़ी है। बहुत तकलीफ है। हाय, बर्दाश्त कर लीजिए, स्वयंवर में सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं सहा जाता, बर्छियां चल रही हैं, बर्छियां। हाय हाय, अब क्या होगा, जल्दी से भाग जाइए, भैया पड़ोसियों को बुलाने गए हैं। जाते जाते शरबत तो पीते जाइए। अरे हटाओ पीना पिलाना, पाव भर मांस नोच लिया है मुर्गा ने। तो दुश्मन के हवाले क्यों कर दिया? दुश्मन ताकत, मैं उससे लड़ सकती हूँ, जीत नहीं सकती। तुमने उड़ते हुए पंछी की पर बांध दी है इसे। मुझे तुम्हारा होकर मरना पसंद है, रानी का होकर जीना पसंद है। कोई आ रहा है। बाहर क्यों खड़े हो परदेसी? नहीं जी, बस यूं ही खड़ा हुआ था बाहर। मैं तो बस आप ही के लिए खड़ा हुआ था। अंदर चलो। अंदर तो कुछ भी नहीं है, बाहर देखिए ना कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस आसमान पर। मैं कुछ देखना चाहती हूँ। परदेसी जी, क्या देख रहे हैं यार? मैं तुम्हारा आराम, जो मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। क्या हाथ है, क्या हाथ है। जी चाहता कि देखता ही रहूं मैं। आज और खूबसूरत मालूम होते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी तो और बहुत कुछ दिख रहा है मुझे इस हाथ में। क्या दिख रहा है? अरे इसकी तो सब रेखाएं स्वर्ग में जाती हुई दिखाई देती हैं, सब की सब रेखाएं। तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए हो जाओ? आज नदी की सैर भी करेंगे और मीठी मीठी बातें भी। अच्छा नदी की, ठीक है।
बोल बोल किधर है चोर? चोर पहले आंखों में आया, फिर आंखों से घूमता फिरता दिल में उतर आया, और अब मेरे सामने। आंखों किधर सामने खड़ा है? तुम ही तो हो मेरे दिल के चोर। तेरे जन्म की दिन रात दिल ही के सपने देखा करती है, जा सो जा जाके। खोल दे दरवाजा, मैं कहता हूँ खोल दे दरवाजा। तकलीफ न कीजिए पहलवान, वो चला गया। चला गया? अच्छा हुआ भाग गया, वरना चक्कू मार देता तेरे चक्कू। हाँ बड़े बहादुर हो। लो अरे तूने मेरी बहादुरी नहीं देखी, एक दफा एक लड़की मुझ पर मरने लगी। अच्छा जी? उस पर एक पहलवान की नजर पड़ने लगी और मैंने आग गिनाना ताव लगा दिया। एक दाव पीछे मुड़ के क्या देखता हूँ कि पहलवान नीचे पड़ा है और दम ऊपर जा रहा था, चला जा रहा था। दम? हाँ दम। मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। कहा देखो तुम्हारा दिल। हाँ, दिल वाली। हाथ अलग, हाथ अलग। अच्छा मैं चलता हूँ, जरा सर में दर्द हो रहा है, लाओ मैं सर दबा दू। पगड़ी उतार दो। पगड़ी नहीं, पगड़ी नहीं, पगड़ी नहीं। क्यों? मर्द की सेवा करना औरत का धर्म है। ए धर्म वाली, अगर मर्द की पगड़ी औरत के हाथ से उतर गई तो तेरा धर्म और अपना क्रिया परम। अब मैं जरा चलता हूँ। ठहरो, बहुत तकलीफ है। तकलीफ क्या पूछती है, पहले तो सर में थी और अब दिल में है। तो चलो नदी किनारे, मैं तुम्हें सैर करा लाऊं। नदी किनारे चल, चलो। हांडी उतार दो, सर ठंडा हो जाए। दूसरों के तुम्हें कैसे मार देता हूँ, और तुझे चक्कू वक्कू मार दूंगा। मार डाल जानी, पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो जाएगी। वो देख, बहुत दिनों पहले दो मोहब्बत के मतवाले इस कश्ती पर बैठकर प्यार के गीत गाया करते थे। अचानक उनके दरमियान एक तीसरी लड़की आ गई, मौका पाकर कश्ती उलटती। ये निशान उसी कहानी की यादगार है। अरे नानी आ गई। शिबू तू यहाँ कैसे? ये मैं कश्ती साफ कर रहा था। सुना है कि आज सरकार शहर को जा रही है, मैंने सोचा कि शायद मेरी भी जरूरत पड़ जाए। नहीं आज तेरी जरूरत नहीं, तू जा ले लीजिए ना। ये रोतों को हंसाना और बिछड़ों को मिलाना आता है, और मुझे नाव खेलना भी आता है। राजा ने तू क्या क्या जानता है शिवू? मैं दूसरों के लिए सब कुछ, अपने लिए कुछ भी नहीं। अच्छा चल बैठ जा। बहुत दूर बैठे हो। दिल अगर मिले हो तो दूरी से क्या होता है? कोई इससे भी अच्छी बात को मोहब्बत के धारे में बहते हुए दिलों को कहने सुनने की क्या जरूरत? दो मोहब्बत के मतवाले इस कश्ती पर बैठकर प्यार के गीत गाया करते थे। अचानक उनके दरमियान एक तीसरी लड़की आ गई, मौका पाकर कश्ती उलटती। शिबू कश्ती संभाल, लहरों में कहीं खो न जाए। मेरी नाव मेरे गीतों के सहारे किनारे तक पहुंची। पार हो नदिया
धीरे 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 बहो नदिया हैया हो हैया रे हैया हैया हो चलाया दूसरी बार नाव डुबोने की कोशिश की। क्या अपनी सफाई में अब भी कुछ कहना है तुझे? कुछ नहीं, ले जाओ। ऐसे मुजरिम की सजा मौत है, लेकिन तू परदेसी का दोस्त है, तुझे दोस्त ही के हाथ से कोड़े खाने पड़ेंगे। राजरानी, कमजोर इंसान कुदरत के तूफान का मुकाबला न कर सका, इसे माफ कर दे। माफ कर देती अगर मुझ पर वार करता। इसने मेरे चांद को डुबोना चाहा था। नादान दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। लगाओ कोड़े, क्या सोचते हो, लगाओ कोड़े। ये मेरा दोस्त है,
दोस्त का हाथ दोस्त पर नहीं उठेगा। मैं माफी चाहता हूँ। ले जाओ, गर्दन उड़ा दो। हेरो, रानी मैं अपने नादान दोस्त को खुद सजा दूंगा। ये नादान अपने किए की सजा पा चुका, अब इसे माफ कर दे। तेरा यहां रहना खतरे से खाली नहीं, फौरन महल से निकल जा। आज मैंने तुम्हारे रूप में अपनी दिल और अपनी आत्मा को कोड़े मारे। ऐसा न करता तो खो बैठता तुम्हें। कोड़े सीट पर बैठे थे जो दिल में लग रही थी, वो हाथ के चूम कर चली जाओ जिसे मेरे लिए इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हाथ ने जिंदगी के लिए मोहब्बत का गुनाह किया है, इसे तुम माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता। जाओ यहां से, सोनी कोई आ रहा है। रात के पिछले पहर जब महल का तीसरा गजर बजेगा तुम उस पहाड़ी पर मेरा इंतजार करना। बिजली बादल के रूप में क्या हाल है सोनू? मरी नहीं, जिंदा हूं। शांगू ने जिंदगी भर गुलामी की मगर इनाम न मिला। परदेसी ने फूल जैसे जिस पर कोड़े बरसाकर रानी का दिल जीत लिया। अब भी पहचान लो कौन अपना है और कौन पराया। पहचानती हूं, वो कल भी अपने थे और आज भी अपने हैं। होशियारी से पैसा देना, जागते रहना। जाओ इधर जाओ, दरवाजे पर जाओ। जिसका तुम इंतजार कर रही हो उसे तुम्हारा इंतजार नहीं, वो नहीं आएगा। वो आएगा। महल की दीवारें पत्थर की हैं। मोहब्बत और मौत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सोनी, अगर वो ना आया तो जानती हो तुम्हें मुझसे कुछ हारना पड़ेगा। जानती, सब कुछ हारना पड़ेगा। और ये भी जानती हूँ कि वो आएगा और तुम्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा। मंजूर है, कर लो इंतजार।
है तो मार डालो, दोनों को मार डालो, लेकिन इन्हें तुम में से वही आदमी पत्थर मार सकता है जिसने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। अगर तुम्हारी नजर में ये गुनहगार हैं तो मैं इन्हें रानी के पास ले जाता हूं, इनका फैसला वो खुद करेगी। बुजुर्ग कृष्णा आपसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें मान और इज्जत के साथ ले आओ। प्रजा की निगहबान रानी, नादान जनता ने दो बेगुनाह बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाकर कानून को अपने हाथ में ले लिया है। इंसाफ के लिए आया हूँ और इंसाफ तुम्हारे हाथ में है। अगर वो निर्दोष निकले तो उन्हें मेरे हवाले कर दिया जाए ताकि धर्म बेगुनाहों की रक्षा कर सके। ऐसा ही होगा, मुलजिम बुलाए जाए। मेरा मशवरा है कि सूरत देखे बगैर ही फैसला दे दीजिए, वरना आपको तकलीफ होगी। और
उन्हें बुलाया जाए। एक जालिम चील मेरे तोते पर झपट रही है। ये मेरा दोस्त है और दोस्त का हाथ दोस्त पर नहीं मिल सकता। रानी क्या सोच रही हो? इंसाफ करो, ये इंसाफ के लिए आए। बुजुर्ग बाप, इनके साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। कब होगा? आज। आप जानते हैं ऐसे अपराधियों के लिए हमारे मुल्क में एक कसौटी है, इनका फैसला वही करेगी, अग्नि परीक्षा। आपका गुस्सा पूरे जोश पर आ गया, अंगारे अपनी खुराक मांग रहे हैं। अग्नि परीक्षा। बाप की परीक्षा नहीं, इंसानियत का मजाक है। लाडली, आज पेशवा के खून का इम्तिहान है। चलो साबित कर दो कि चांद का दामन मैला हो सकता है, पेशवा का खून गंदा नहीं हो सकता। नशे की दवा मिला दी, पीते ही सर चकरा जाए। राजरानी का भेजा हुआ अमृत जाम, इसे पी लो, देवता तुम्हारी मदद करें।
पागल हो गई है क्या? पागल? हाँ, मैं पागल हो गई। पागल ना होती तो धोखे बाज के चक्कर में क्यों आती? किसने धोखा दिया तुझे? वो चालाक छोकरी जिसकी अग्नि परीक्षा हुई, शाहबाज मर्द के रूप में आई और मुझे लूट गई। शादी का वादा मुझसे किया और खुद किसी और के साथ चली गई। तो क्या तू चाहती है तेरी शादी का सपना पूरा हो जाए? मगर कैसे हो सकता है, मैं तो उसे लड़का समझी थी, वो तो लड़की है। मैं तेरे साथ शादी करूंगा। तुम शांगू। मगर एक शर्त पर। मुझे शायद मंजूर है। तुझे अपना बयान बदलना होगा, ये कहना होगा कि धोखा लड़की ने नहीं उस परदेसी ने दिया है, मैं तेरे साथ हूँ। तुम मेरे साथ हो तो और क्या चाहिए, मुझे सब मंजूर। राजरानी, पंछी खुद अपने जाल में गिरफ्तार हो गया है, आंखें बंद करके दस्तखत कर दीजिए। शांगू, मौके से फायदा उठाइए, दस्तखत कर दीजिए, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। बच्ची, मैंने परदेसी को स्वयंवर में बैठने की इजाजत दे दी है। बुजुर्ग बाप, हमारे हुजूर में दरखास्त गुजरी है कि परदेसी ने एक शामिया नामी दासी की इज्जत पर हमला किया है, मुजरिम जहां हो जिस हालत में हो गिरफ्तार किया जाए। दस्तखत राजरानी। बाबा, परदेसी पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। बुजुर्ग बाप, ऐसा ना हो कि एक परदेसी के लिए आपके नाम पे धप्पा लग जाए। मैं ऐसी जिंदगी से मौत को बेहतर समझता हूँ जो बुजुर्गों की इज्जत बेचकर मिले। ले चलो मुझे। बाबा, परदेसी ने ऐसा नहीं किया। बाबा, परदेसी ने ऐसा नहीं किया। जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो आकाश खुद ही बारिश शुरू कर देता है।
क्या हाल है परदेसी? मैंने पहले ही कहा था यहाँ का कानून परदेसियों के लिए बहुत सख्त है। जो जुल्म को इंसाफ और हक को कानून दे वो हाकिम नहीं अपने देश के लिए लाना है। खामोश। तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है, लेकिन याद रखो मेरे नहीं बन सकते तो किसी और के भी ना बन सको। मैं औरत और रानी। रानी कहिए, जीत या हार? वो जीती है। फिर? अब भी वही इनकार। आपकी समझ सो गई, मगर मेरा तजुर्बा जाग रहा। मैं अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। परसों स्वयंवर सोनी को बुलाकर परदेसी की मुसीबत दिखाई। कहिए अगर उसकी जिंदगी चाहती है तो वरमाला मेरे गले में डाले। वो परदेसी से मोहब्बत मुसीबत देखेगी फौरन मान जाए। मैं आपका रास्ता साफ करने के लिए और आपको खुश देखने के लिए ये बोझ उठाने को तैयार। तुम खुद गर्व हो और होशियार भी, उसे ले आओ लेकिन समझदारी। खिदमत गुजार हूँ। मैंने रानी को सब कुछ समझा दिया, तुम्हारी तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राजरानी मुझसे इस लड़की के आंसू नहीं देखे जाते। अगर मुजरिम के लिए माफी नहीं है तो मैं अपनी पुरानी खिदमतों का वास्ता देता हूं कि इस लड़की पर रहम किया जाए। शिकारी नौजवान, औरत आज अपने असली रूप में आई है, बोल क्या कहना चाहती है? आप औरत नहीं, आपके पास दया नहीं है, तो मैं उसे की भीख मांगती हूँ, उसे के वास्ते देती हूँ। परदेसी निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगी लेकिन एक शर्त पर। मुजरिम की जान बचाना चाहती है तो वादा कर कि होने वाले स्वयंवर में वरमाला परदेसी के गले में नहीं शांगू के गले में डालेंगे, और अगर ये वादा झूठा निकला तो मेरे आदमी हलाक कर देंगे परदेसी को। मेरी जिंदगी चीर कर मुझसे क्या तू परदेसी से मोहब्बत नहीं करती? अपनी जान से भी ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं चाहती? जान जान से ज्यादा, मगर मैं उसे पाना चाहती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती। राजा तूने तड़पाना सीखा, तड़पना नहीं सीखा। कल तूने कहा था कि जीतना हो तो हार जाइए, आज मैं कहती हूँ कि पाना हो तो खो दे। रहम कीजिए राजा, मैं उनसे पागल हो जाऊंगी, मैं उनसे पागल हो जाऊंगी। राजा मुझे परदेसी की सूरत दिखा दीजिए, मुझे परदेसी की सूरत दिखा दीजिए। देख सकेगी? देख। लाल हो चुकी है, कतारें तेज हो चुकी हैं, फैसले में देर की तो कानून का फैसला शुरू हो जाएगा। पहले उसकी आंखें फूट जाए, फिर उसके हाथ काटे जाएंगे,
सूरत बिगाड़ी है। वो किसी की कलाई ना थाम सकेगा, वो किसी की सूरत ना देख सकेगा, वो किसी से मोहब्बत ना कर सकेगा। पत्थर न बन, मोहब्बत बन। बन कर रहे संन्याय को, बन कर रहे संन्याय को। मुझे आपकी शक्ति मिलती, मुझे आपकी शक्ति मिलती। मुजरिम को सोनी के हवाले कर दो और ऐलान कर दो कि दासी का दावा झूठा निकला। ओ खिदमत गुजार हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं जानता। क्या मैंने तेरा इसीलिए साथ दिया था? दीवार न बन, मैं एक मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। करने दो, मैं तुम्हें रोक के रहूंगी। रोक के ना तो रोक सकती है तो
कल मेरी बच्ची का स्वयंवर है, मैं उसकी खुशी में एक नजराना लाया हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। देखो और क्या ले आए हैं आप। चौंक क्यों पड़ी, जवाब दो। आज एक खंजर इसकी पीठ में छुपा है और कल एक खंजर मेरी मासूम बच्ची के कलेजे में उतरने वाला है। ये सब तुम्हारे इशारे पर होगा। पेशवा पर वार ना करो, नगर बर्बाद हो जाएगा। बुजुर्ग बाप, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। तुम ताज पहनकर राज को भूल गई हो, तुम्हें पाप याद है, इंसाफ याद नहीं रहा। तुम ऐसा गुनाह कर रही हो जिसका प्रायश्चित भी ना कर सकोगी। दुखी आत्माएं शराब देंगी, टूटे हुए दिल धिक्कार भेजेंगे, सूखी हुई हड्डियां फंदा बनेंगी और हर रोज निकलने वाला सूरज दुनिया से कहेगा कि सांगा देश की रानी जालिम थी, बदकार थी, बेदीन थी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप जा सकते हैं। ये शादी जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी।
बर्बादी को। महल डूब गया, रानी मर गई। मर गई, उसे जिंदा करो और कहो कि आज अपनी ताकत दिखाए। उससे कहो कि फौज और हुकूमत के बलबूते पर रोक सकती है तो रोक दे इस तूफान को। आसरा टूट गया, तुम्हारा आसरा बाकी है। आज नगर को राज नहीं बचा सकता, वही बचा सकता है। तूफान को रोकना देवता के हाथ में है, फकीर का काम है दुआ करना। आओ हम सब मिलकर दुआ करें। कुर्बानी की जरूरत है। आज तुम में से कौन है जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है? बाबा ये कुर्बानी मैं दूंगा। तुम परदेशी? मैंने यहाँ के लोगों से प्यार किया है और यहीं अपनी मोहब्बत को मिटते भी देखा है। और मेरे देश में यही तालीम दी जाती है कि जिसे प्यार करो उसके लिए अपनी जान भी दे दो। बाबा, बाबा, मैं कुर्बानी देना चाहती हूँ। तू मेरी बच्ची? मुझे अपने देश से कुर्बान होने का हक है। लेकिन इसकी शादी हो चुकी है बाबा, ये किसी दूसरे की अमानत है। मेरा जिस्म दूसरे का है, मरने के बाद उसे दे दिया जाए। खामोश औरत, मेरा जिस्म तेरी रूह तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। अब तेरा एक ही फर्ज है, मेरे हुक्म की तामील। और तेरा ये फर्ज है कि बेगुनाह परदेशी को तूफान की भेंट चढ़ा दे। क्यों नहीं? उस परदेशी को जिसकी जान बचाने के लिए मैंने रानी के हुक्म से तेरे गले में वरमाला डाली। क्यों नहीं? तू मेरे जिस्म का मालिक है शांगू, मेरी आत्मा किसी और की है। क्यों नहीं? तू एक मर्द बच्चे से बात कर रही है। मर्द का बच्चा है तो क्या देश का कुर्बान होगा? मैं वचन देती हूँ कि तेरी लाश को सीने से लगाऊंगी, सारा जीवन तेरी याद में गुजार दूंगी। ठीक है, ठीक है। क्या तुम अपनी बच्ची को इस तरह मरने दोगे? आज झट्टी ने पुकारा है, माँ की मांग पर बेटी कुर्बान होगी, परदेशी नहीं बाबा। बाबा इसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा और मैंने सब कुछ पा लिया है। नहीं बाबा, परदेशी को बलिदान का अधिकार नहीं है। मैं परदेशी नहीं हूँ बाबा, माला मेरे गले में डाल दो। नहीं बाबा, मैं अपना हक मांगती हूँ। सुनी बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ये जुल्म है, क्या अन्याय है बाबा। सुनी सुनी बाबा, मेरी बच्ची मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। बाबा मैं परदेशी से कुछ कहना चाहती हूँ। जा सकती हो। तुमने क्या किया सुन? मर जाने दिया होता मुझे, क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूं? तुम्हें मेरी कसम परदेशी जो अपनी जान की दुश्मन बनी, अब मैं तुमसे कभी कभी दूर नहीं रहूंगी। कैसे, ये कैसे हो सकता है? देखो ये जिस्म तो किसी और का हो चुका है, अब यही मेरे तुम्हारे बीच दीवार बन गया है। जब मैं इसे फेंक दूंगी फिर तुम्हारी हो जाऊंगी। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, दो कुर्बानियां नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो इस वक्त मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। याद है तुमने कहा था कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो तुम ऐसा गीत गाओगे कि तूफान आ जाएगा और मैं खो जाऊंगी उस तूफान में। कैसे गाऊं सुन? दिल टूट गया और आवाज खो गई। गाओ परदेशी, गाओ। मैं चाहती हूँ जिंदगी के आखिरी वक्त तक तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे, सिर्फ तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे। गाओ परदेशी, गाओ, गाओ परदेशी, गाओ। मेरी आखिरी आरज़ू सुनो, कभी मरने की कोशिश मत करना, उम्र भर इसी देश में रहना। मैं वादा करती हूँ कि टूटे हुए दिल के संगीत से जब भी मुझे पुकारोगे मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। सोनी चले आज तुम जहाँ से, हुई जिंदगी
माना हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। गम बे मौत मर गए